नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से YouTube चैनल द नवलगढ़ स्टेशन पे। दोस्तों, आज की हमारी ट्रेन जानकारी है रेलवे द्वारा हाल ही में जयपुर तक विस्तारित की गई सैनिक एक्सप्रेस ट्रेन की। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं ट्रेन नंबर 14021 दिल्ली सरायरोला से जयपुर के बीच चलने वाली सैनिक एक्सप्रेस ट्रेन की। दोस्तों, इस ट्रेन का संचालन उत्तर रेलवे करता है और यह त्रिसाप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन है जो मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को दिल्ली सरायरोला से रवाना होकर दिल्ली कैंट, गुड़गांव, रेवाड़ी, लोहारू, चिड़ावा, झुंझुनू, सिक्कर, रिंगस के रास्ते बुधवार, शुक्रवार और रविवार को जयपुर जंक्शन पर पहुँचेगी। दोस्तों, बात करें अगर इस ट्रेन के ट्रेवल टाइम की तो यह ट्रेन दिल्ली सरायरोला से जयपुर तक की टोटल डिस्टेंस 402 किलोमीटर को 9 घंटे और 35 मिनट में तय करेगी और इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहेगी 41 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों, इस ट्रेन का 24 स्टेशनों पर ठहराव रहेगा। बात करें अगर इस ट्रेन में लगने वाले लोकोमोटिव की तो दोस्तों, इस ट्रेन को आबू रोड लोको शेड का WDM-3A डीजल लोकोमोटिव दिल्ली सरायरोला से जयपुर तक लेकर जाएगा। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर इस ट्रेन को ओपलिंक डीजल लोकोमोटिव के साथ देखा गया है। दोस्तों, बात करें अगर इस ट्रेन में कोचेज की तो इस ट्रेन में सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास व जनरल अनरिजर्व क्लास के कोच रहते हैं। और दोस्तों, इस ट्रेन का किराया आप रेलवे टिकट काउंटर या रेलवे की वेबसाइट से कन्फर्म ज़रूर कर लें, क्योंकि रेलवे इस किराए में समय समय पर बदलाव करता रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इस ट्रेन का किन किन स्टेशनों पर ठहराव रहता है और उन स्टेशनों पर इस ट्रेन का टाइम टेबल क्या रहता है। दोस्तों, ट्रेन नंबर है 14021 दिल्ली सरायरोला जयपुर सैनिक एक्सप्रेस ट्रेन मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को दिल्ली सरायरोला के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रात में 10:15 पर रवाना होती है और यहाँ से रवाना होकर यह ट्रेन पहुँचती है दिल्ली कैंट 10:40 पर और 2 मिनट ठहराव के बाद 10:42 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, ये ट्रेन पहुँचती है गुड़गांव 10:58 पर और 2 मिनट ठहराव के बाद 11 बजे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद इस ट्रेन का अगला स्टेशन रहता है पटोदी रोड 11:21 पर यहाँ पहुँचती है और 2 मिनट ठहराव के बाद 11:23 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, रात में 11:55 पर यह ट्रेन पहुँचती है रेवाड़ी जंक्शन और करीबन 10 मिनट ठहराव के बाद रात 12:05 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, ये ट्रेन पहुँचती है डहीना जैनाबाद रात में 12:26 पर और 2 मिनट ठहराव के बाद 12:28 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है कनीना खास 12:38 पर यहाँ पहुँचती है और 2 मिनट ठहराव के बाद 12:40 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है महेंद्रगढ़ 12:58 पर और 2 मिनट ठहराव के बाद रात में 1 बजे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है सतनाली 1:27 पर और 2 मिनट ठहराव के बाद 1:29 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, ये ट्रेन पहुँचती है अपने अपने अगले स्टॉपेज लोहारू जंक्शन रात में 1:55 पर और करीबन 35 मिनट ठहराव के बाद 2:30 पर लोहारू जंक्शन से रवाना होती है। दोस्तों, लोहारू जंक्शन पर इस ट्रेन का लोकोमोटिव रेक रिवर्सल होता है और ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन में आ जाती है। इसके बाद दोस्तों, ये ट्रेन पहुँचती है सूरजगढ़ 2:46 पर और 2 मिनट ठहराव के बाद 2:48 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, ये ट्रेन पहुँचती है चिड़ावा 2:59 पर और 2 मिनट ठहराव के बाद 3:01 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, ये ट्रेन पहुँचती है रतन शहर 3:16 पर और 2 मिनट ठहराव के बाद 3:18 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, ये ट्रेन पहुँचती है सुबह में 3:33 पर झुंझुनू और 2 मिनट ठहराव के बाद 3:35 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, ये ट्रेन पहुँचती है अपने अगले स्टॉपेज नोआ 3:48 पर और 2 मिनट ठहराव के बाद 3:50 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, ये ट्रेन पहुँचती है डूंडलोद मुकुंदगढ़ 4:08 पर और 2 मिनट ठहराव के बाद 4:10 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, ये ट्रेन पहुँचती है नवलगढ़ 4:40 पर और करीबन 2 मिनट ठहराव के बाद 4:42 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, ये ट्रेन पहुँचती है सिक्कर जंक्शन 5 सुबह में 5:10 पर
और करीबन 5 मिनट ठहराव के बाद 5:15 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। और दोस्तों यहाँ तक यह ट्रेन 291 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुँचती है गोरिया 5:30 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 5:32 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है पलसाना 5:42 पे यहाँ पहुँचती है और 1 मिनट ठहराव के बाद 5:43 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है बावड़ी ठिकरिया 5:55 पे और 1 मिनट ठहराव के बाद 5:56 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है रिंगस जंक्शन, सुबह में 6:13 पे यहाँ पहुँचती है और 5 मिनट ठहराव के बाद 6:18 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों रिंगस जंक्शन से रवाना होकर यह ट्रेन पहुँचती है गोविंदगढ़ मलिकपुर 6:32 पे और 1 मिनट ठहराव के बाद 6:33 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है चोमू सामो 6:44 पे और 1 मिनट ठहराव के बाद 6:45 पे चोमू सामोद से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है अपने सेकेंड लास्ट स्टॉपेज डहर का बालाजी 7:11 पे और करीबन 3 मिनट ठहराव के बाद 7:14 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है जयपुर जंक्शन सुबह में 8 बजे और यहाँ तक 402 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। तो दोस्तों ये थी 14021 दिल्ली सरायरोला से जयपुर के बीच चलने वाली सैनिक एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक व शेयर करना न भूलें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें ताकि चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।